किस टाइम उठते हो सुबह? 5 to 6. मुझे चक्कर आ गया सुबह आता हूँ मोस्टली मेरा. नाइस, एक्शन करो यार, फील आता है उसमें. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न. तो आज हमारे साथ हैं अपूर्वा. अपूर्वा ने 143 स्कोर किया है यूपी टेट पेपर 2 में और पेपर 1 में 126. तो अपूर्वा की जर्नी जानेंगे. अपूर्वा आई हैं मेरठ के एक गांव से और अपूर्वा अभी बताएंगे अपने बारे में कि वो क्या कर रही हैं और कैसे उन्होंने ये स्कोर किया, क्या जर्नी रही, कैसी तैयारी रही. और वेलकम अपूर्वा. थैंक यू मैम. जी मैम, मैंने सबसे पहले BSc कंप्यूटर साइंस किया था. उसके बाद मैं अभी BEd कर रही हूँ. अभी मेरा सेकेंड ईयर है BEd का. ठीक है, तो अभी ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो अभी मेरे चारों के चारों पेपर क्वालिफाई हो गए हैं. तो CTET पेपर 1, पेपर 2, UPTET पेपर 1, पेपर 2, मतलब चारों एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में. और अभी सेकंड ईयर के एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं आपके BEd के. जैसा कि मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अपूर्वा फिर भी टाइम निकाल के आई. तो मतलब आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में चारों एग्जाम क्लियर हो गए और अभी BEd भी कम्प्लीट हुआ नहीं है. इससे पहले आपने BSc किया कंप्यूटर साइंस CCS से ही, मेरठ से. और ठीक है, फिर उसके बाद आप कुछ टाइम भी देती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं, तो उस चीज़ का बेनिफिट भी मिला है अपूर्वा को एग्जाम में. तो शुरू करते हैं. जी अपूर्वा बताइए, 143, मतलब वैसे तो ऐसा मेरी आपसे जब बात भी हो रही थी तो आप कह रहे थे कोई प्लान तो था नहीं, ऐसा कुछ पता तो होता नहीं है कि सच में इतने मार्क्स आ जाएंगे. तो कैसा लगा जब वो 143 देखे तो? मैम उस टाइम तो सही में मुझे लगा नहीं था कि आ जाएंगे, लेकिन हाँ ये था जब पेपर दिया था मैंने बोल दिया था कि मेरे 120 प्लस तो आएंगे जी जी एग्ज़ाम पे, लेकिन 140 के तो थोड़ा सा उस टाइम ये लगा था. लेकिन हाँ, मैंने जो प्रिपरेशन करी थी उस टाइम, मैंने प्रिपरेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं की है. मैंने 3 से 4 महीने प्रिपरेशन में दिए थे. हाँ बस उस टाइम ये था, मैं 6 से 7 घंटे पढ़ लेती थी. तो यूपी टेट में तो सबसे मेन चीज़ प्रीवियस ईयर पेपर था और मैंने आपकी क्लासेस भी ली थी. फर्स्ट तो मैंने आपका इसके यूट्यूब पर ही क्लासेस देखती थी मैं आपकी. ठीक है, उसके आपकी फ्रेंड रिया ने बताया था. मैं पूछ रही थी कि यूट्यूब तक कैसे पहुंचे फिर. हाँ, तो उसने बोला था मुझे क्लासेस के लिए. उसके बाद फिर मैंने, आपने बोला था कि करियर वेल पर बैच आ रहा है, तब मैंने बैच ज्वाइन किया था. फिर वहीं से मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की. ठीक है, फिर एग्जाम आने के बाद फिर मैंने जैसे पास आया तो मैं प्रीवियस ईयर पर और ज़्यादा वो फोकस करने लगी थी. राइट, तो यही करती थी मैं. राइट, तो अपूर्वा अभी बता रही थी कि इन्होंने CTET पेपर 2 का बैच लिया था, एग्जैक्ट यूपी टेट का लिया भी नहीं था और सुपर टेट का एक बैच लिया हुआ है अभी. तो उसमें क्या है, बेसिकली उन्होंने जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे उनको वहाँ से प्रिपेयर किया, जो उनका टीचिंग का एक्सपीरियंस था, जो वो पढ़ा रही थी बच्चों को, उस चीज़ ने उनको हेल्प किया. और ये जो 3 महीने था, मतलब ज़्यादा दिन तक पढ़ाई नहीं की, बट ये जो 3 महीने थे इसमें 6 से 7 घंटे यूपी टेट को देना अपने आप में मतलब एक बड़ी बात है. तो मेहनत तो की है उस दौरान. और मार्क्स का किसी को भी फिक्स नहीं होता कि भाई 143 आएंगे या कितने आएंगे, बट आपने जब मेहनत की होती है. दूसरा, प्रीवियस ईयर को इंपॉर्टेंस दी है अपूर्वा ने. मतलब वो प्रीवियस ईयर आप बता रहे थे कि आप सुबह जैसे आज किया, फिर कल से उसको रिवाइज भी किया, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि किसी भी एग्जाम का सिलेबस ऑलमोस्ट CDP है तो आसपास कॉमन होगा, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको प्रीवियस ईयर से पता लगेंगी कि किस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं और उसका जो ट्रेंड है वो किस तरह का है. क्वेश्चन सेम टॉपिक से अलग तरीके से पूछेगा अगर एग्जाम अलग है तो. उस टाइम हम करके पता भी चलता है कि तुम्हें पता कितना है, नहीं तो फिर वो कन्फ्यूजन ही रहती है लास्ट में कि होगा क्या. हाँ, तो थोड़ा सा करके ये भी हो गया था क्योंकि मैम जब प्रीवियस ईयर करती थी उस टाइम में मेरे 100+ सभी में मोस्टली आ रहे थे, तो थोड़ा सा हो गया था हो जाएगा. तो फिर भी ये था कि उस टाइम यही था मुझे कि क्वालिफाई हो जाए करके, क्योंकि पेपर का कुछ पता नहीं है कि आएगा कैसा होगा. तो यही था. हाँ, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी रहता है कई बार यूपी टेट. तो इसमें बेसिकली अब हम अलग अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे CDP कैसे तैयार किया, या हिंदी इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे, मैथ्स एंड साइंस अगर पूर्वा का था तो उसमें कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की. फिर हम थोड़ा सा EVS की भी बात कर लेंगे, पेपर 1 वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं. और तो CDP की बात करते हैं पूर्वा, CDP कैसे तैयार किया, बाल विकास जिसको हम कहते हैं, 30 नंबर का आता है. CDP तो मैंने कम्प्लीटली आपका ही देखा था स्टार्टिंग से लेके, और मैंने कोई टीचर देखा ही नहीं था. वो वही था मुझे जो फ्रेंड ने बताया था वहीं से देखना स्टार्ट करा था. फिर टोटल कैरियरवेल पर आपका बैच लिया था तो वहीं से उसको रिवाइज हो गया दोबारा से. ठीक है, तो यही करती थी मैं. कितनी खुशी हो रही है मुझे ये सुन के, बता नहीं सकती. तो आपने बेसिकली मेरे सेशंस देखे थे YouTube पे भी और करियर वेल पे भी, और साथ में नोट्स वगैरह कुछ बनाए थे या जो? हाँ, नोट्स बनाए थे. उससे फिर ये था ना, एक बार के रिवीजन से होता नहीं है. राइट, और थोड़ा सा फोन से भी पढ़ने में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपने नोट से थोड़ा पढ़ना ज्यादा खुद बनाए थे. ठीक है, और कोई बुक ली थी अलग से इस चीज के लिए, CTET के लिए कुछ? नहीं, मैंने ऐसे कोई बुक्स नहीं ली, बस प्रीवियस ईयर लिया था मैंने, हर जैसे सभी पेपर्स का प्रीवियस ईयर लिया था और कुछ नहीं लिया. बिल्कुल ठीक है. पेपर 2 का तो मैंने अगर CTET पेपर 2 का तो वो भी नहीं लिया था क्योंकि बैच भी सब कुछ पढ़ा हुआ था. ठीक ठीक, तो वो तो मैंने वहीं से करा था जो राइट था. बहुत बढ़िया. तो मतलब अपूर्वा एक तरह से कह रही हैं कि कोई स्पेसिफिक बुक अलग से नहीं ली, प्रीवियस ईयर को देखा और जो क्लासेस चल रही थी बैच में चल रही थी, चाहे वो उन्होंने यूट्यूब पे देखा और नोट्स बनाए प्रॉपर, रिवीजन बहुत बार किया. ये फोकस पॉइंट है कि रिवीजन बहुत बार किया. और फिर उसके बाद आता है आपका हिंदी, तो हिंदी की प्रिपरेशन?
हिंदी का तो मैंने अरुण सर का ही देखा था, जो भी वीडियो देखी थी उन्हीं की, और फिर उन्होंने लास्ट में यूट्यूब पर रिवाइज कराया था सब कुछ, तो वो रिविजन देखा था। राइट, नोट्स तो मैं बनाए थे सभी के, हाँ। नोट्स बनाए थे तो वो रिवाइज करा नोट्स, ठीक है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर कराया था, राइट, उसको रिविजन करा, बहुत बढ़िया, वही सेम मेरा इंग्लिश में भी था, ठीक है। तो उस टाइम पे तो सिर्फ आपने सीटेट वाला ही बैच लिया हुआ था पेपर टू का, तो मतलब वो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाती है अरुण सर, मतलब वो यूपीटेट वाला भी वहीं कवर हो गया, और वो बाकी आपने उसको पॉलिश कर लिया प्रीवियस ईयर करके, तो हिंदी भी वहीं से आपकी कवर हो गई। फिर आता है आपका इंग्लिश, तो इंग्लिश का कैसे, वही प्रीवियस ईयर और सेम वही था मैम, इंग्लिश का भी मैंने वही करा था, सेम चीज, तो इंग्लिश में भी अगेन थोड़ा बैच का देखा, थोड़ा यूट्यूब देखा, थोड़ा प्रीवियस ईयर किया, और मिल मिला करके वही अगेन हो गया काम। फिर आता है आपका मैथ्स एंड साइंस, जो 60 मार्क्स हैं अपने आप में, तो उसको आप बताइए। मैथ्स और साइंस, तो मैथ्स मेरा कहीं ना कहीं मैम अच्छा था, तो मैथ्स में तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं, और साइंस फिर मैंने रिवाइज करा था उदय सर की वीडियो से। अच्छा। जब फर्स्ट टाइम में मेरा डिवीजन होता गया था, क्योंकि बहुत चीजें क्लियर ही थी, राइट, नहीं मैथ्स किया होगा उदय सर की वीडियो से, और आप शायद बता रहे थे सत्येंद्र सर, सत्येंद्र सर पर साइंस करा था, तो साइंस उनसे हो गया था, फिर सर सत्येंद्र सर ने भी रिवाइज कराया था यूट्यूब पर, मेरे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहीं से हुआ, जी 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 जी, और उदय सर ने भी आपके ही चैनल पे कराया था रिवाइज, तो मेरा सब रिविजन भी वहीं से हुआ। और फिर इसमें एक और पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट है, कि पूर्वा ने बच्चों के साथ डील किया हुआ है वो 6th to 8th वाले मैथ्स एंड साइंस, तो उस चीज का उन्हें बेनिफिट मिला है, क्योंकि जो सिलेबस है जो वहां यूपी में चल रहा है, अगर आप उस चीज के साथ डील करेंगे तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है, ऐसा नहीं होगा कि अचानक से वो एकदम ज्ञान आ जाएगा पेपर में, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया था इस चीज को, पढ़ाया भी था और फिर बैच से भी पढ़ाया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा के उसी कॉन्फिडेंस में थे कि अब तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अपूर्वा ने जो चीजें उनको आती भी थी उनको भी कई बार किया है, और ये तो इत्तेफाक था कि प्रीवियस ईयर पेपर फंस गया, और उसमें भी उन्हीं लोगों के मार्क्स अच्छे आए हैं जिनको, जिन्होंने सच में वो चीज़ की थी बार बार अच्छे से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम, बेशक वो क्वेश्चन पहले देखा हुआ हो, जब तक हमें सही से नहीं पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है, तो उसके पीछे मेहनत तो लगी ही है। और अपूर्वा मैथ्स एंड साइंस का ये रहा, इसके अलावा अगर जैसे हम EVS का करें, तो आपके 126 नंबर हैं पेपर वन में, तो EVS में आपने सच कोई तैयारी की नहीं जो आपने मुझे बताया? नहीं, EVS मेरा थोड़ा सा वीक ही है स्टार्टिंग से जी, तो EVS का तो मैंने मोस्टली यही करा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा था जी, थोड़ी बहुत, और हाँ मैम मैंने आपकी NCERT की वीडियोस थी, अच्छा वो कुछ लोग देखी थी मैंने, बस वे सुनती थी, ऐसी सुनती थी, और फिर कुछ वही फ्रेंड ने मैम जो डाल दिया था वो PDF रिवाइज करा था, राइट, EVS को मेरे कुछ इसने स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की, ठीक, और EVS की कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की, और सीटेट पेपर टू लिया हुआ था, तो EVS वैसे भी नहीं था बैच में भी नहीं था EVS, तो ये बात रही EVS की। बेसिकली इससे मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि अगर आपका एकाध सब्जेक्ट वीक भी है, या आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी दिया, तब भी अगर बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है टेट एग्जाम्स में, तो वो आपका स्कोर 126 भी बुरा स्कोर नहीं है बिल्कुल भी, तो उस केस में आपका स्कोर बेटर रहेगा अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस किया, एकाध इधर उधर हुआ भी है, हालांकि वो होना नहीं चाहिए, बट अगेन ऐसा हो सकता है, तब भी आप बेटर कर जाएंगे, उस चीज़ में भी फिर कॉन्फिडेंट ही रहना है जी। अपूर्वा, तो ये हमारी बात हो गई पढ़ाई लिखाई की, इतनी तो आप 6-7 घंटे पढ़ लेते थे इस दौरान, और आपका BEd भी चल ही रहा था, तो कुछ कोई टिप आपको लगता है कि जब आप 6-7 घंटे पढ़ते हो तो एक बार में पढ़ लेते हो, या ब्रेक डाउन करके? नहीं, मैं ब्रेक लेती थी, मैं 1 घंटे से ज्यादा एक टाइम में पढ़ नहीं पाते थे, जैसे 1 घंटा पढ़ा, राइट, फिर थोड़ा कुछ कर लिया, क्या किया मेरा उस 1 घंटे के बाद? थोड़ी देर फोन चलाना, ये करना, फिर ऐसे क्या इंस्टाग्राम वगैरह देखते हो? इंस्टाग्राम में, ऑनलाइन वेबसाइट पे, अच्छा वो ही नहीं, अरे वाह, फिर क्या करते हो फोन में उतनी देर में? मुझे ऐसे गेम्स खेले, या फिर मैं तो ऐसी चीजें करती थी, राइटली थोड़ा दिमाग लाइट हो जाएगा उससे, या थोड़ी बहुत देर बाहर चले गए ऐसा करती थी। मोस्टली मेरी पढ़ाई का जो टाइम था वो सुबह को या शाम को होता था, दिन में इतना नहीं होता था, अच्छा सुबह को या शाम को पढ़ती थी, ठीक है। तो ये आप कितने घंटे बैठते हो सुबह, मतलब 1 घंटा पढ़ लिया फिर ब्रेक? सुबह को तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, सुबह को, रात को वैसे सबसे ज्यादा होता है, सुबह को जैसे 1.5 से 2 घंटा हो गया, दिन में तो थोड़ा सा ऐसे ही था जैसे 1 से 2 घंटा पढ़ लिया, और एग्जाम्स के पास आते तो मैम थोड़ा सा और ही बढ़ जाता है, फिर तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, फिर तो पूरे दिन ही होती है पढ़ाई, राइट। तो अपूर्वा कह रहे हैं कि बेसिकली जैसे दिन है तो 1-2 घंटे सुबह पढ़ लिया, फिर 1-2 घंटे दोपहर पढ़ लिया, हो सकता है शाम को किस दिन ज्यादा पढ़ लिया, किस दिन सुबह ज्यादा पढ़ लिया, तो वो ब्रेक डाउन करके उसको पढ़ाई की है उन्होंने, और 6-7 घंटे उतने भी ज्यादा नहीं होते अगर आप सच में लग के पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये थी अपूर्वा की स्टोरी। तो अब आगे की तैयारी आपकी शुरू होगी बीएड के एग्जाम्स के बाद, अभी तो आपने बताया कि सुपर टेट का बैच लिया हुआ, देखा कुछ नहीं है अभी, देखा कुछ नहीं है, एडमिशन तो मैं 3 महीने से चल ही रहा है, जब आया था तभी ले लिया था, बट ये था पहले कि
पता चला, क्योंकि सी टेट उस टाइम 3-4 महीने उसके प्रिपरेशन में मैंने कुछ भी नहीं करा। ये बुक्स भी मैंने बाद में मंगाई थी, अभी तो सिर्फ इसी का कर रही हूं। तो ये वो 3-4 महीने की प्रिपरेशन थी जिससे ये चारों एग्जाम क्लियर हो गए। सिर्फ 3-4 मैम 25 सितंबर के आसपास तो मैंने शायद आपका बैच ही लिया था। जी जी जी। उसी के बाद ही करिए जो भी प्रिपरेशन करने वाले। पहले तो इतना मुझे कुछ था भी नहीं कि मुझे ये सब कुछ करना भी है। वो तो ये था टीचिंग एग्जाम्स में जब घुस गए तो फिर पहले वो ही क्लियर कर, उसके बाद में जो भी कुछ करना है वो करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले टीचिंग एग्जाम्स का ही करना है, उसके बाद जो होगा देखा। बिल्कुल। तो अभी अपूर्वा का बेसिकली इसमें ये भी फायदा है कि आप अपूर्वा ने जो किया कि आपके बीएड चल रहा है और ऐसे कई सारे लर्नर्स होंगे, अब आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि पता नहीं हमें वैकेंसी कब आएगी, क्या ड्रामा है, मतलब क्या ही कब होगा ये किसी को नहीं पता। बट एटलीस्ट आपके सामने जब टेट एग्जाम आए तो आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान ही उसको क्लियर कर लें, क्योंकि बाद के लिए फिर आप फ्री हो जाएंगे। अगर जैसे आपने सेकंड ईयर में अब क्लियर हो गए टेट एग्जाम्स, हमेशा के लिए छुट्टी हो गई क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी है। लास्ट में फिर एक साल और वेट करना पड़ेगा। राइट। और इस साल वैकेंसी भी थोड़ा सा ये भी है कि इस साल बहुत चांसेस है। राइट। तो मैंने तभी क्लियर कर लिया। तो वो मौका देख के आपको चौका लगा देना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि पता नहीं है ना फिर वैकेंसी कब आएगी। सीटेट भी आजकल एक साल में एक बार देखने को मिल रहा है, कई बार यूपीटेट आगे पीछे होगा, कई बार रिजल्ट आगे पीछे होगा। तो उस चक्कर में जब जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करके और अपने हित में यूज कर लेना है मेहनत करके। तो ये हम अपूर्वा से सीख सकते हैं। तो अब होगा एक रैपिड फायर राउंड और ये एक नया फन फैक्टर है इंटरव्यूज में। अब जो भी आगे आने वाले डिस्कशंस आप देखेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस हम अपने गेस्ट से पूछेंगे जो वो फटाफट रैपिडली आंसर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है पूर्वा, तैयार हो? बिल्कुल। चलिए पहला क्वेश्चन है, आर यू मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मॉर्निंग पर्सन। मॉर्निंग पर्सन। किस टाइम उठते हो सुबह? 5 to 6। मुझे चक्कर आ गया। नाइस। चलो खैर रैपिड है तो रैपिड ही करते हैं, बट 5-6 कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर उसके बाद बेस्ट फूड एवर, सेकंड क्वेश्चन। चॉकलेट। फेवरेट मूवी? थ्री इडियट्स। परफेक्ट हॉलीडे डेफिनेशन? डिज्नीलैंड। मैंने सोचा है पूर्वा ने, ऐसा नहीं सिर्फ किताबों में लगी रहती है। और थ्री इडियट्स मुझे भी बहुत पसंद है, अच्छे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, डेस्टिनी यानी एवरीथिंग इज प्लान्ड और फ्री चॉइस के हमारे पास है कुछ कंट्रोल या फिर डेस्टिनी सब कुछ कंट्रोल करती है, दोनों में से आप क्या मानते हैं? बोथ, बैलेंस ऑफ बोथ कह सकते हैं। तो ये था रैपिड फायर राउंड, अभी हमने कमी क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट राउंड में मिलेंगे। होपफुली आपको मजा आया होगा यहाँ आके। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय।